नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सौजन्य से संस्कृत सप्ताह निरंतर चला हुआ है। उसी क्रम में यद्यपि जो परंपरा है उसके हिसाब से तो हमारी पूर्ति पिछले कल हो गई है, किंतु संस्कृत के वे अनेक विषय जो हम सबको चर्चा करने के लिए अपेक्षित रहते हैं कुछ शेष रह गए थे। उसी क्रम में आज मैं भारतीय ऋषि चिंतन परंपरा इस विषय पर अपना पक्ष रखने को उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले अकादमी के सचिव आदरणीय डॉक्टर करम सिंह जी का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है। परंपरा के अनुसार पहले मंगलाचरण फिर शुभारंभ करते हैं। ओम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बंधुओं, ऋषि शब्द आते ही हमें भारतीयता की सुगंध आने लगती है। भारतीयता की पहचान हमारे इस ऋषित्व से ही है। ऋषि न होते तो पता नहीं हमारी संस्कृति क्या होती। सबसे पहले हम ऋषि शब्द का चिंतन करें तो बड़ा अद्भुत अर्थ ऋग्वेद स्वयं देता है। कालांतर में जो अर्थ लिए गए वो अर्थ तो ऋषियों के गुणों, उनके आचरणों, व्यवहारों के आधार पर दिए गए, मगर परमपिता परमेश्वर ने जब ऋषि बनाया तो ऋषि बनाते हुए उनके लिए एक उनकी संरचना बना दी और उनका एक स्वरूप शब्द में ढाल दिया। और ऋग्वेद कहता है ऋषि ही स यो मनुर्हितो विप्रस्य यावयत् सखः। ऋषि वह है जो विप्रों की, विद्वानों की और मनुष्य के हितों के लिए मित्र बना रहे, उनका संरक्षण और उनका पोषण करता रहे। आप देखें कि ऋषि के अवतरण काल में ही परमपिता परमेश्वर ने वेद के माध्यम से उसके स्वरूप का निर्धारण कर दिया, अर्थात ऋषि मनुष्यों और विद्वानों का संरक्षक होता है, उसका पालक और पोषक होता है। इसीलिए कालांतर में बाद के मंत्र दृष्टा ऋषियों ने इदम नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पथिकृद्भ्यः कहा। पथिकृद्भ्यः अर्थात ये हमारे मार्ग का निदर्शन करने वाले हैं, यही हमारी सारी परंपरा का निर्धारण करने वाले हैं, इसीलिए उनको ऋषि सबसे पहले प्रणाम करते हैं। ऋषियों का अपना एक स्वभाव, वह भी ऋग्वेद कह देता है कि ये चि पूर्वम रीतसाप रीतावान रीता वृथा, अर्थात ऋषि सत्य का पोषक होता है। रीतसाप रीतावान हमेशा सत्यवादी होता है और रीता वृथा सत्यनिष्ठ होता है, अर्थात उसके जीवन में सत्य के अलावा और कोई आधार नहीं है और कोई व्यवहार नहीं है, अतः ऋषि सत्य का वाचक होता है। अब ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए उत्तर काल के आचार्यों ने शुरुआत करते हैं पुराणों से। पुराण में वायु पुराण कहता है ऋषित्येव गतौ धातुः श्रुतौ गत्ये तपस्यथ एतत् संयतस्तस्मिन् ब्रह्मणा स ऋषिः स्मृतः। अर्थात ऋषि शब्द ऋषि धातु से चार अर्थों में प्रयुक्त होता है। पहला है गति, ऋषि का अर्थ गति होता है। दूसरा है श्रुति, ऋषि का अर्थ श्रुति भी होता है, ऋषि का अर्थ सत्य भी होता है और ऋषि का अर्थ तपस्या भी होता है। अब ये चारों गुण एतत् संयतः तस्मिन्, जिसमें ये चारों गुण हैं, अर्थात
जो गति वाला है, जो श्रुति वाला है, जो सत्य है और जो तपस्या रत रहता है, वही एतत् तस्संयतः तस्मिन् ब्रह्मणा स ऋषिः स्मृतः। उसी को भगवान ने, ब्रह्मा जी ने ऋषि कहा, जिसके भीतर ये चार तत्व होते हैं। अब इन चारों के अपने विशेष अर्थ हैं। गति का क्या अर्थ होता है? ये गत्यर्थाः ते ज्ञानार्थाः। गति का अर्थ ज्ञान होता है। ऋषि गतव धातु से ऋषि का अर्थ ही ज्ञान होता है। ऋषन्ति अवगच्छन्ति इति ऋषयः, ऐसी व्युत्पत्ति आचार्यों ने की हुई है। फिर कहते हैं ऋषति प्राप्नोति सर्वान मंत्रान ज्ञानेन पश्यति संसार पारं वा इति ऋषिः। अब देखें ये ऋषि का अर्थ क्या है। इन ऋषियों ने श्रुति शब्द आया अगला, गति के बाद श्रुति। श्रुति इसलिए कहा क्योंकि वेद के मंत्रों का श्रवण करके ये दर्शन करने वाले हैं, इसीलिए वे, और जिस परंपरा से इन्होंने सुना उसी परंपरा से इन्होंने उसको आगे बढ़ाया, इसीलिए ऋषियों का एक नाम श्रुति भी है। इसी को आचार्य यास्क ने अपने ढंग से कहा कि साक्षात कृत धर्माणः ऋषयो बभूवुः, जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार किया वे ऋषि हुए। उन्होंने क्या किया? ते ऋषयः अवरेभ्यः असाक्षात्कृत धर्मेभ्यः उपदेशेन मंत्रान संप्रादुः। और जो लोग धर्म का साक्षात्कार नहीं कर सकने वाले थे उन लोगों को उन मंत्रों का दर्शन करवाया, उसका बोध कराया। इसी बात को और आगे कहते हैं, उपदेशाय ग्लायन्तो अवरे बिल्म ग्रहणाय इमं ग्रंथम समामना शिशुः वेदं च वेदांगानि च। उन ऋषियों ने इसी वेद को, जो थोड़े धर्म साक्षात्कार में कमजोर थे, उनके लिए उपदेश कर बताया कि वेद क्या है, ज्ञान क्या है। अब आया श्रुति का एक अर्थ, ऋषि का एक अर्थ सत्य होता है। ऋषयः सत्यवचसः, अमर कोशकार कह गए ऋषयः सत्यवचसः, ऋषेर वाक्यम आप्तम प्रमाणम, ऋषि ही प्रमाण होता है। कैसे? फिर एक और चौथा अर्थ दिया तपसी। तपस्या का क्या अर्थ है ऋषि से? कहते हैं कि ऋषन्ति प्राप्नुवन्ति तपसा वेद मंत्रान इति ऋषयः। ये ऋषियों को वेद मंत्र ऐसे ही नहीं मिल जाते, ये अत्यंत गंभीर तपस्या के बाद वेद मंत्र उनको प्रकट होते हैं, उसका अर्थ उनको समझ में आता है। इसीलिए औपमन्यों का मत देते हुए आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में कहा कि ऋषि ही दर्शनात् स्तोमान ददर्श इति औपमन्यमः। ब्रह्मांड पुराण में भी इसी तरह की एक बात कही गई है कि गत्यर्था दृशतेर धातुर नाम निवृत्तिरादितः यस्मादेव स्वयंभूतस् तस्माच्च अपि ऋषिता स्मृता। वही तात्पर्य है कि ऋषि गत्यर्थक हैं, ज्ञानार्थक हैं। ऋषियों का अर्थ ही ज्ञान है, तपस्या है, सत्य है और धर्म है। बंधुओं, वैदिक वाङ्मय, उसके बाद वैदिक वाङ्मय में ब्राह्मण और आरण्यक भी आते हैं। आरण्यक में भी एक जगह बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया कि तद्यत एतान तपस्यमानान ब्रह्म स्वयंभू अभ्यानर्षत तद ऋषीणाम ऋषित्वम्। उस ब्रह्म ने देखा कि ये तो लगातार तप कर रहे हैं, तो इन तप करने वालों को उन्होंने वेद का ज्ञान दिया और उन्हीं ने ही इनका नाम ऋषि रख दिया कि ये तो ऋषि है। अब ऋषि और ऋचा, इन दोनों का परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध है। ऋषि के बिना ऋचा नहीं है और ऋचा ऋषि के बिना नहीं होती है। इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उपकारक हैं। वेदों का ज्ञान सर्वोपकारक होने के कारण वेदों को नारायण कह दिया और नारायण के सबसे निकट ये ऋषि ही होते। वेदो नारायण साक्षात भगवान इति शुश्रुमः। वेद तो नारायण स्वरूप हैं, उसमें इसलिए उसके निकट जाना सबके लिए बहुत आवश्यक है। परमेश्वर के निश्वास से प्रादुर्भूत होने के बाद प्रत्येक कल्प की सृष्टि में ऋषियों की रितंभरा प्रज्ञा द्वारा मंत्र विग्रह रूप में दृष्ट होते। ये एक दिन का विषय नहीं है,
कल्प कल्पांतर में जब महाप्रलय होता है सब कुछ नष्ट हो जाता है, वेद भी साक्षात दिखाई नहीं पड़ते, तब यही ऋषि पुनः तप के माध्यम से उस विसर्जित ज्ञान को पुनः देखते हैं। प्रलय काल में, प्रलय काल संपन्न होने के बाद भगवान विष्णु के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी आविर्भूत होते हैं, तब तपस्या के द्वारा सृष्टि वर्धन का कार्य आरंभ करते हैं। इसी सृष्टि में उनकी मानसिक संकल्प से उनके 10 संततियों का अवतरण होता है, ये सभी ऋषि कहलाते हैं। मरीचि अत्र्यंगिरसौ पुलक्ष्यम पुलहम क्रतुम प्रचेतसम वशिष्ठं च भृगुम चैव। कहने का अर्थ ये है कि जब ये ऋषि हमारे समक्ष आते हैं तो इन ऋषियों को हमें बहुत निकटता से देखने की अपेक्षा होती है। प्रचेतसम वशिष्ठं च भृगुम नारदमेव च, ये 10 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनमें से नारद जी का पृथक स्वरूप है और शेष बचे हुए 9 ऋषि जिनमें मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह प्रचेता क्रतु वशिष्ठ भृगु आदि, इन सब 9 ऋषियों को नव ब्राह्मण के रूप में पुराणों में विवृत किया गया है। इन्हीं ऋषियों ने सृष्टि काल में तपस्या के द्वारा पुनः वेदों का, और हर प्रलय के बाद जब जब सृष्टि होती है तब तब यही अवतरित होकर वेदों का पुनर्दर्शन करते हैं और लोक में उनको उपस्थापित करते हैं। ऋषियों की उत्पत्ति सृष्टि के आदिम काल में ही हुई, जैसा कि हम पुरुष सूक्त में इसको स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं। स्पष्ट लिखा है, तम यज्ञम बरहिष प्रौक्षन पुरुषन जातम अग्रतः तेन देवायजंत साध्याः ऋषयश्च ये। ये ऋषि दीर्घजीवी हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती है। ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुयुः, ऋषियों को तो दीर्घजीविता प्राप्त है, निरंतर तप करते हैं, योग साधना में रहते हैं, तो उनकी मृत्यु कहाँ संभव है। तप ही उनके ज्ञान का मुख्य आधार है। ये सभी ऋषि शक्ति सामर्थ्य तप अध्यात्म ज्ञान मंत्र शक्ति आदि सभी में, सभी गुणों में ब्रह्मा जी के समान है, इसीलिए इनको भी हम प्रजापति कहते हैं। यास्क ने इसीलिए कहा था कि ऋषि ही दर्शनात्, ऋचाओं का दर्शन करने के कारण ही ये मंत्र दृष्टा कहलाए। कालांतर में इन ऋषियों ने अपने शिष्यों प्रशिष्यों में अपना ज्ञान वितरित कर दिया, इसीलिए वेद का एक नाम श्रुति भी पड़ गया। अब कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने को ही यह वेद राशि प्राप्त होता है, ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को देते हैं और वही पुत्र फिर आगे इस ज्ञान को बढ़ाते हैं। अब केवल वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषियों की हम बात करें तो शब्द तत्व का साक्षात्कार करने वाले ऋषियों की संख्या 403 बताई गई है। ये 403 ऋषि सामान्य ऋषि नहीं है, मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। ये सारे ऋषियों के अपने गुरुकुल थे और अपनी परंपरा थी, उसी को इन्होंने लोक में आख्यायित किया है। वस्तुतः कालांतर में ये 7 सप्तर्षि की चर्चा जो हम सुनते हैं, वो सप्तर्षि हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। अब उन्हीं सप्तर्षियों को सप्त प्राण के रूप में भी उत्तरकाल में, और उत्तरकाल में क्यों, वेदों में ही कह दिया गया है, सप्तर्षयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति दम, बिना प्रमाद के वे सप्तर्षि हमारे शरीर में निवास करते हैं और रहते हुए क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। यजुर्वेद का यह मंत्र है, जहाँ पर त्वक चक्षु श्रवण रसना घ्राण मन बुद्धि इन सब पर, इन सब का अधिकार है, यही रह हमारे शरीर में रहकर हमारी रक्षा करते हैं। मंत्र का वह मंत्रांश बताता हूँ जो यजुर्वेद में यह बताता है कि ये सप्तर्षि सप्त प्राण के रूप में कैसे हमारे शरीर में निवास करते हैं। वशिष्ठ ऋषि ही प्रजा प्रतिगृहीतया त्वया प्राणम गृहणामि प्रजाभ्यः, प्राण रूप में वशिष्ठ ऋषि को धारण करता है। भरद्वाज ऋषि ही प्रजापति गृहीतया त्वया मनो गृहणामि प्रजाभ्यः, और
प्रजाओं के लिए मन के रूप में भरद्वाज ऋषि शरीर में विद्यमान रहते हैं। जमदग्नि ऋषि ही प्रजापति गृहीतया त्वया चक्षुः गृह्णामि प्रजाभ्यः, और जमदग्नि ऋषि चक्षु के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। विश्वामित्र ऋषि ही प्रजापति गृहीतया त्वया श्रोत्रम गृह्णामि प्रजाभ्यः, कहते हैं कि विश्वामित्र श्रोत्र के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। विश्वकर्म ऋषि ही प्रजापति गृहीतया त्वया वाचम गृह्णामि प्रजाभ्यः, और विश्वकर्म ऋषि प्रजापति के द्वारा इस शरीर में वाणी के रूप में धारण कराए गए। ये सप्तर्षियों का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ है कालांतर में। यही सप्तर्षि आकाश में दिखाई पड़ते हैं। कश्यपो अत्रि वशिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाजः इति सप्तर्षयः स्मृतः। ये सात ऋषि हमारे समाज में, हमारी परंपरा में सुने और सुनाए जाते हैं। स्वयंभू मनु प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग सप्तर्षि वेदों की ऋचाओं का दर्शन करते हैं। कल्प के अंत में प्रलय काल में छिपे हुए वेदों को, इतिहासों को मनीषियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से तप के द्वारा प्राप्त किया। जैसा कि तपसा विंदते महान, तप से ही बहुत महान कार्य किए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसी बात को शांति पर्व में व्यास ने कहा है कि युगांते अंतरहितान वेदान, युग के अंत में जब सब कुछ नष्ट होने लगता है तब ये वेद भी छुप जाते हैं। वेदान से इतिहासान, और इतिहास आदियों को महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्व मनुज्ञाता स्वयं हुआ। और फिर जब ये प्रलय के काल में वेद आदि ज्ञान इतिहास छुप जाते हैं तब ये ऋषि पुनः तपस्या के द्वारा वेद के इस परंपरा को, वेद के इस ज्ञान राशि को जान लेते हैं। इन्हीं ऋषियों के कारण हमें वेद हर कल्प, हर कल्पांतर में प्राप्त होता है। संपूर्ण प्रलय होने पर भी इसीलिए वेद कभी नष्ट नहीं होता है। वेदों को सुरक्षित रखना ही ऋषियों का ऋषित्व है। ये वेद ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं, यह तो तप का साधन, तप के साधन से ही प्राप्त होने वाला है। वेद ज्ञान से ही ब्रह्म प्राप्ति होती है। ऐसे ज्ञान का अधिकारी की शर्तें बहुत कठिन बताई गई। वेदांत सार में अधिकारी कौन है, कौन वेद और उस ब्रह्म को जान सकता है, इस विषय के लिए बहुत स्पष्ट शब्दों में वहां लिखा हुआ है कि अधिकारी तु विधिवत अधीत वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थस्मिन् जन्मनि जन्मांतरेवा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितान्त निर्मल निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता यः सः अधिकारी। अरे भाई, इस जन्म में, पूर्व जन्म में, जन्म जन्मांतर में वेद पढ़ा हो, किसी तरह का पाप मन में ना हो, निष्कलुष हृदय हो, तब उसको ब्रह्म वर्चस की ओर प्रवृत्ति होती है और वही व्यक्ति उस ब्रह्म को जानने का अधिकारी होता है। इस ब्रह्म वर्चस की कामना साधारण नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए ये ऋषि शम प्रधान होते थे। शम की बड़ी महत्ता कही गई है। आचार्य नागानंद अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि न तत्र दुखम न सुखम न चिंता। शम प्रधान व्यक्ति के पास न दुख होता है, न सुख होता है, न चिंता, न राग, न द्वेष, रागौ न कोई द्वेष होता है, न किसी से राग होता है, न चकाती जिच्छा, और उसकी अपनी कोई इच्छा भी नहीं होती। फिर क्या होती है? रसः शान्तः, शांत रस में रहने वाला हो। कथितो मुनिन्द्रैः सर्वेषु भावेषु शम प्रधान, इसलिए सारे भावों में शम भाव सबसे प्रधान है, क्योंकि शांत रस में ऋषि इसमें रहता है। इसलिए शांत रस की ओर जाने का प्राधान्य हमारे ऋषियों ने अभिव्यक्त किया है। और आगे बढ़ते हैं। ये सृष्टि के क्रम में ऋषियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है कि ऋषि सृष्टिवर्धन में मुख्य रूप से ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से मरीच ऋषि का बहुत विशेष योगदान है। उनके पुत्र कश्यप हुए। कश्यप जी को यह आदेश हुआ कि आप दक्ष की 13 कन्याओं से विवाह करें और सृष्टि करें। दिति अदिति आदि दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से कश्यप ने विवाह किया और उसी से अनेक प्रकार की सृष्टि की। देवता, दानव, पशु, पक्षी, मानव, चराचर जगत सब कुछ उसी कश्यप ऋषि की बनाई हुई
यह सृष्टि है, कश्यपात्तु इमाः प्रजाः, उसी कश्यप ऋषि ने इस सारी प्रजा का निर्माण कराया। तात्पर्य यह है कि हम उन्हीं ऋषियों की संतानें हैं, इसका बोध हमें होना चाहिए। हम केवल मनुष्य ही नहीं है, हमारे तब मनुष्य हैं जब हमें मनुष्यत्व है, अर्थात हमारी जाति केवल मनुष्यत्व की जाति है। यदि हमें मनुष्यत्व नहीं है तब हम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। वर्ण व्यवस्था तो केवल संसार के संचालन के लिए बनाई गई है, यह तो दायित्व वितरण मात्र है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कह दिया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, चार ही वर्ण हैं और ये भी मैंने गुण और कर्म के अनुसार बनाए हैं। कहीं नहीं कहा कि मैं तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ, मैं तुमको क्षत्रिय बनाता हूँ, मैं तुमको वैश्य बनाता हूँ, मैं तुमको किसी और जाति का बनाता हूँ, नहीं कहा। कहा जैसा गुण जैसा कर्म वैसी तुम्हारी वर्ण। इसी बात को कह करके खुद गीता में 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने इसको और अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपने भीतर कोई भी गुण विकसित कर सकता है, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी क्षत्रिय, कोई भी वैश्य, कोई भी शूद्र अपने कर्मों से बन सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः, ये सारे तो गुण हैं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण गुण है, ब्राह्मण धर्म है। यदि उस तरह का आचरण करते हो तो ब्राह्मण होते हो। अब कैसे आचरण है ब्राह्मण का, देखो जिसको ब्राह्मण बनना है उसको ये पंक्तियां आचरण में लानी पड़ेंगी। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण गीता में, शमो दमः तपः शौचम क्षांतिरार्जम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शम हो, दम हो, तप हो, शौच हो, शांति हो, आर्जव हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, आस्तिक्य हो, ब्रह्म कर्म का स्वभाव हो, तब आप ब्राह्मण बनते हैं। कहीं किसी ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हो ऐसा कहीं कोई बात नहीं बनती है। इसलिए ब्राह्मण का कर्म होना चाहिए, उस कर्म के अनुसार उत्पन्न होने वाला गुण होना चाहिए, तब आप ब्राह्मण बनते हैं। फिर कहा क्षत्रिय कौन बनेगा, कहा शौर्यम तेजः धृतिः दार्क्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। क्या सुंदर बात कही मोदी जी, इस पर बिल्कुल फिट बैठते। शौर्यम, अब देखो क्षत्रिय कहा, क्षत्रिय कौन होगा, शौर्यम तेजः धृतिः धैर्य भी हो, शौर्य हो, तेज हो, धैर्य हो, दक्ष होना चाहिए। युद्धे च अपलायनम, इतना बड़ा चीन आगे खड़ा था, मोदी जी खड़े हो गए कि नहीं भाई नहीं चलेगी तेरी ऐसी की तैसी, ले अपना सारा माल वापस कर, नहीं चाहिए भारत में चाइना का कोई माल। यह क्या था, युद्धे च अपलायनम, खड़े हो गए निडर होकर, जानते हुए कि चाइना बहुत बड़ा है, बहुत सारे उसके पास हथियार हैं, लेकिन पीछे नहीं हटे। दानम, दान देने की इच्छा, ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभाव, यह स्वभाव में होता है। क्षत्रिय धर्म स्वभाव में होता है, क्षत्रिय पिता से उत्पत्ति पाने से कोई क्षत्रिय नहीं बनता है। क्षत्रिय का स्वभाव होना चाहिए, क्षत्रिय का गुण होना चाहिए, तब आप क्षत्रिय बनते हैं। फिर देखिए और आगे भगवान कहते हैं, अब वैश्य किसको कहा, कहा कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि करे, गोरक्षा करे, गोपालन करे, गौशाला रखे, वाणिज्यम व्यापार भी करे, वैश्य कर्म और भी वैश्य के जो कर्म हैं वो अपने स्वभाव में ले आए, तभी वो वैश्य है। ब्राह्मण का पुत्र यदि दुकान खोलकर बैठा है तो वो ब्राह्मण कैसे कहलाएगा, उसको तो वैश्य ही कहना पड़ेगा। कोई ब्राह्मण का पुत्र सेना में चला गया है तो वो ब्राह्मण कहाँ रहा, वो तो क्षत्रिय है, सेनापति बन के बैठा है। उसी प्रकार जब कोई व्यापार कर्म में लग गया तो किसी भी वर्ण का हो उसका तो वैश्य वर्ण ही है। और अंत में देखो, दलित भाई बुरा नहीं माने, इस बात को समझने का प्रयत्न करें, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कह दिया कि यही तीन तो कर्म थे, लोगों को पढ़ना पढ़ाना, राष्ट्र की रक्षा करना और व्यापार करना। अब ये तीनों अगर तुम कह दोगे कि नहीं साहब मैं अनुशासन में नहीं रह सकता, मैं शौर्य तेज धृति दक्ष युद्ध पलायन ये सब मेरे में नहीं हो सकता, मैं व्यापार नहीं कर सकता, मैं कृषि नहीं कर सकता, मैं गोरक्षा नहीं कर सकता, तो क्या करोगे भाई,
जब कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे व्यक्ति को चाहे किसी वर्ण में पैदा हो उसको शूद्र की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। वो व्यक्ति शूद्र ही है फिर, जब किसी लायक नहीं है तो और का कहें उसको। इसलिए व्यक्ति को कर्म पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य ही धर्म है। ऋषियों के चिंतन से ही यही धर्म मार्ग पुष्ट हुआ है। ऋषि बार बार कहते हैं और भगवान कृष्ण ही इसी गीता में कहता है, कह दिया है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहो भाई, जो आपका कर्म है उसी को धर्म समझो, कर्म ही पूजा है, तभी आप अपने धर्म के पालन से आप अपना अस्तित्व सबके समक्ष उपस्थापित कर पाएंगे। यदि अपने धर्म से विमुख हो जाओगे तो नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। देखो क्या कहते हैं, दो तीन मंत्र आप मंत्र आपके महाभारत से सुनाता हूँ। धर्मेव तो हंती धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म को मारने वाले को धर्म स्वयं मार देता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, और धर्म की रक्षा करने वाले का धर्म स्वयं रक्षा करता है। तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, इसलिए धर्म को कभी मत छोड़ना। मानो धर्मो हतो वधि, यह धर्म कभी भी मारने योग्य विषय ही नहीं है। धर्मम युबाधते धर्मो, धर्म वही है जो सबको बांध के रखे। न स धर्म कुधर्म, जो बांध नहीं सकता वो धर्म नहीं है, उसको कुधर्म कह दिया। इसलिए धर्म हमेशा बांधने की बात करता है। अविरोधी तो यो धर्म, जो अविरोधी है, किसी का विरोध नहीं करने वाला है, वही सधर्म सत्य विक्रम, वही धर्म है, वही सत्य विक्रम धर्म है। इस धर्म के आचरण से क्या क्या हो जाता है, देखो ऋषियों का चिंतन अद्भुत था। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म से सारी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्म तो धर्मस्ततो जयः, धर्म से शत्रु मर जाते हैं, धर्म से ही विजय होती है। इसी धर्म से पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। इसी बात को मनु महाराज ने भी धर्म के 10 स्वरूप बता दिया। दिति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। कहने का अर्थ ये है कि जब आपको ये धर्म भी ना समझ में आए, क्या करें क्या ना करें, तो आ जाइए वेद की शरण में। सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति, ऋषियों ने कह दिया कि मेरी शरण में आ जाओ। कर्तव्य अकर्तव्य में अनिर्णय की जब स्थिति हो तो वेदों की शरण में ही जाएं। क्यों? क्योंकि वेदों किलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल है। इतना ही नहीं है, सायण ने वेद शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कह दिया, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वायस्तु पायो न बुध्यते एनम विदंति वेदे न तस्मात् वेदस्य वेदता। जब कोई उपाय न सूझे तब वेद में जाना, यही तो वेद की वेदता है। जिसको कोई मार्ग न मिले उसको वेद मार्ग देते हैं। वेद ऋषियों के चिंतन का परिणाम है। मंत्र न किसी पेड़ पर उगे हैं, न किसी कारखाने में बने हैं। सड़क चलते कोई मंत्र नहीं रच सकता, यह तो अपार साधना का फल। मननात् मंत्राः मन्यते ज्ञायते विचार्यते सत्क्रियते देवता विशेषः ईश्वरादेशो येन समंत्रः। इसलिए इन मंत्रों के समीप जाने की जरूरत है। और ये मंत्र क्या हैं? ऋषियों के प्रमाण वाक्य हैं। ऋषिर वचनम सत्यम। सामान्य व्यक्ति पहले अर्थ पर विचार करता है, पुनः अर्थानुगुण शब्द का उच्चारण करता है। हम कोई भी बात बोलने से पहले मन में उसका अर्थ चिंतन कर लेते हैं, तब हम शब्द बोलते हैं। अर्थात पहले अर्थ मन में, शब्द बाद में बाहर आता है। लेकिन ऋषियों के लिए ऐसा नहीं है। भवभूति ने बहुत सुंदर प्रमाण दे दिया कि लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते ऋषि नाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थो अनुधावती। ऋषियों का तो शब्द निकलता है, केवल उनके मुंह से शब्द निकल गया, अर्थ उसके पीछे पीछे चलेगा। अर्थात उनका कहा हुआ हमेशा सत्य होता है। इसका एक प्रमाण देता हूँ कि जैसा शापाभिधान है, हमने बड़े सारे ऋषियों की कथाएं सुनी हैं। ऋषि लोग जब कह देते हैं किसी को भी कि भाई उसने उसको शाप दे दिया, जा तू एक हफ्ते में मर जाएगा। अब सामान्य मृत्यु तो उसकी नहीं थी एक हफ्ते की, लेकिन ऋषि का वाक्य था, इसलिए सत्य हो गया। तो ऋषियों का वचन तो सत्य वचन है। ऋषियों ने जैसा कह दिया वही घटित होगा। इसी बात को ऋषियों के स्वरूप को बताते हुए कालांतर में कुछ आचार्यों ने ऋषियों के स्वरूप को लक्षण के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उसको भी मैं बताना चाहूँगा कि ऊर्ध्वरेतास्तपस्युग्रो नियताशी च संयमः सापानुग्रहयोः शक्तः सत्यसंधो भवेद् ऋषिः। ऊर्ध्वरेतस हो ब्रह्मचर्य, अपने रेतस पर नियंत्रण होना चाहिए। तपस्युग्रह
तब उग्र तपस्या वाले नियताशी निश्चित भोजन में एकदम निश्चित एक चवन्नी भर भी अधिक नहीं खाते कभी। संयम शापानुग्रह शाप और अनुग्रह किसी को शाप देने में भी माहिर और किसी पर कृपा करने में भी माहिर। सत्ता सत्ता सत्य संधो सत्य का ही संधान करने वाले ऋषि होते हैं। तपो निर्धुत पापमान इतना रत्ती भर भी पाप ना हो सबसे दूर रहने वाले याथा तथ्य विधायिनः हमेशा सत्य का ही वचन बोलने वाले वेद वेदांग तत्वज्ञाः ऋषयः परिकीर्तिताः जो वेद वेदांग में सिद्ध हैं वे ही लोग ऋषि कहलाए। वैसे तो ऋषियों के बड़े सारे स्वरूप बताए गए हैं कालांतर में, कोई वैखानस है, बालखिल्य है, संप्रक्षाल है, मरीचिप है, अशंकुट है, पत्राहार है, दंतोलुखली है, अशय्य है, गात्रशय्य है, उन्मजक्क है, फिर अनवकाशिक है, सलिलाहार है, वायुभक्ष है, अनेक प्रकार के ऋषियों की चर्चा है। आकाश निलय है, ऊर्ध्ववासी है, दांत है, आद्रपटवासी है, सजप है, तपोनिष्ठ है, ऋषियों की अनंत कोटियां हैं। इतना ही नहीं है, और सुनिए एक, अभी तो हमने सप्तऋषियों के नाम सुने कि ये सात ऋषि ऊपर के, ऋषियों की सात कोटियां भी हैं। सात कोटियों रत्नकोश में रत्नकोशकार ने कह दिया कि सप्त ब्रह्म परम ऋषयः कांडर्षि श्रुतर्षिश्च राजसर्षिश्च क्रमावरा। ये सात कोटियां भी हैं ऋषियों की, ब्रह्मर्षि देवर्षि महर्षि परमर्षि कांडर्षि श्रुतर्षि राजर्षि, ये सात कोटियां भी हैं ऋषियों की। इन सबके नाम भी सुन लीजिए, वशिष्ठ ब्रह्मर्षि हैं, कर्णवर्षि देवर्षि हैं, नारद भी देवर्षि हैं, व्यास महर्षि हैं, भेल ऋषि परमर्षि थे, जैमिनी कांडर्षि हैं, सुश्रुत श्रुतर्षि हैं और ऋतुपर्ण राजर्षि हैं। दुष्यंत का भी नाम राजर्षियों में आता है। तो ये सात कोटियां भी हैं ऋषियों की। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे देश में अनेक प्रकार के इन ऋषियों के वंशज हुए हैं, जिनमें हम गिनने लगे तो बुद्ध, महावीर, गुरु गोरखनाथ, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे ही लेकर गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, तुकाराम, समर्थ रामदास, संत तिरुवल्लूर, श्रीमंत शंकराचार्य आदि आदि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, ये ऋषियों की परंपरा का निर्वहन करने वाले, इतने सारे ऋषियों की परंपरा हमारे सामने सुनने को मिलती है। अब यह तो अभी तक मैंने एक भी स्त्री का नाम नहीं लिया। जानकर खुशी होगी कि 50 से भी अधिक ऋषिकाओं का जिक्र, मंत्र दृष्टि ऋषिकाओं का जिक्र वेदों में है, जिनमें कुछ के नाम मैं जरूर आपको सुनाना चाहूँगा। लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, मंदहात्री, शाश्वती, गोधा, विश्ववारा आदि, और भी क्या नाम है उसका, मैत्रेयी, इस तरह की बहुत सारी ब्रह्मवादिनी ऋषियाँ, कात्यायनी, ये अनेक ऋषिकाएँ हुई हैं जिनका अस्तित्व ऋषियों के बराबर की कोटि का है। एक भी एक इंच किसी ऋषि से कम नहीं थी। मंत्र दर्शन उनका स्वाभाविक कर्म था, गुण था, इसलिए उन्हें भी पीछे न गिना जाए। अब कुछ घटनाएं वेदों की हैं। अब वेदों में ये सब जानते हैं और सब जगह चर्चा होती है कि वेद विज्ञान के भी स्वरूप हैं। सृष्टि का समस्त विज्ञान ऋषियों की चिंतन की ही देन है, ये हम सब जानते हैं। ऋषियों के चिंतन के दो मार्ग थे, एक आध्यात्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। आध्यात्मिक मार्ग से परलोक ठीक होता है और वैज्ञानिक मार्ग से यह लोक ठीक होता है। ये दो ही मार्ग हैं। ईश्वर ने इसीलिए हमें दो ही पांव दिए थे। जिस प्रकार दोनों पांव के अभाव में हम चल नहीं सकते, उसी प्रकार अध्यात्म और विज्ञान के अभाव में हमारी सदगति नहीं है, हम खिसक नहीं सकते एक जगह से। इसलिए इन दोनों पक्षों को विचार में रखना आवश्यक है। भौतिक पदार्थों के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और इन पदार्थों के आत्म तत्व के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं।
अब इसका स्वरूप भगवान कृष्ण ने गीता में भी बड़े स्पष्ट शब्दों में अर्जुन को समझाया है। कहते हैं अर्जुन को जब कुछ न समझ में आया तब कहते हैं भगवान, ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यम शेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्य मम शिष्यते। हे अर्जुन सुनो, मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान दोनों बताता हूँ। भूमिरापो नलो वायु खम्मनु बुद्धिरेव च अहंकार इतियम मे भिन्ना प्रकृति रष्टदा। ये मेरी जो प्रकृति है सामने दिखने वाली वो सिर्फ आठ प्रकार की है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, यही मेरी आठ प्रकृति है, यही भौतिक विज्ञान है, इसी में सारा संसार समाया हुआ है। और इसके अलावा इन सब की आत्मा रूप जो दूसरा है, अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। एक और तत्व जिसके द्वारा यह सारा जगत सब कुछ इस प्रकृति से भिन्न जो कुछ है वह धारण किया जाता है, प्रकृति में जो कुछ है वह जिसके द्वारा धारण किया जाता है वह आत्म तत्व है, मैं वह आत्म तत्व हूँ, तू मुझे भी जान। यह अध्यात्म का मार्ग है। पूर्व में बताए गए आठ प्रकृति को जानना विज्ञान का मार्ग था, और इन आठों को संचालित करने वाला जो आत्म तत्व है वह अध्यात्म का मार्ग था। वस्तुतः ऋषियों ने सर्च किया था, हम आजकल रिसर्च करते हैं, यही अंतर है हमारे कार्य में और उनके कार्य में। ऋग्वेद का नासदी सूक्त सृष्टि के संपूर्ण आदिम क्रम को अभिव्यक्त करता है, सृष्टि प्रक्रिया का संचालन ऋग्वेद का पुरुष सूक्त करता है। ऋग्वेद में आध्यात्मिक उत्थान से लेकर भौतिक विज्ञान की पराकाष्ठा तक का चित्रण है। अनेक दार्शनिक सूक्त ऋग्वेद में से लेकर दूसरे वेदों में भी देखा जा सकता है। अब देखें आज की तारीख में हम जब भी वेद ब्राह्मण आरण्यक आदि संस्कृत साहित्य का नाम लेते हैं तो लोग समझते हैं कि बस ये बाबा जी होंगे, आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे, इनको प्रणाम करो, अभी संस्कृत का प्रवचन सुनाएंगे और चल पड़ेंगे। ऐसी बात नहीं। उन विज्ञान के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ कि देखो सुनो, ब्राह्मण ग्रंथों में किस तरह की बात हो रही है। सनत कुमार जी के सामने नारद जी आते हैं और कहते हैं कि भगवन ऋग्वेदम भगवुद्धेनी, हे भगवन मैं ऋग्वेद पढ़ चुका हूँ, यजुर्वेदम सामवेदम आथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम पित्रयम राशिम दैवम निधिम वाको वाक्यम एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम क्षत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्प देव जन विद्याम एतद् भगवुद्धेमी, सब मैंने पढ़ लिया है। सोहम भगवन मंत्र विदेवास्मि, मैं मंत्रविद हूँ नात्मविद, लेकिन मैं आत्मविद नहीं हूँ। आत्मज्ञान आवश्यक है, पार पाने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। आत्म तरत शोकम आत्मविद, क्योंकि वही पार पाता है जो अपने आप को जानता है। तब कितना सुंदर उत्तर सनत कुमार नारद को देते हैं, विज्ञाने नवा ऋग्वेदम विजानाति, हे नारद विज्ञान से ऋग्वेद जाना जाता है, तुमने जो जाना वो सब विज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम पित्र राशिम दैवम निधिम वाको वाक्यम एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम क्षत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्प देव जन विद्याम दिवम च पृथ्वीं च यम च वायुम चाकाशम चापश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशुंश्च भयांसि च तृण वनस्पतींश्च वापदानि आकीट पतंग पिपीलकम धर्मम चाधर्मम च सत्यम च अनृतं च साधु च असाधु च हृदयज्ञम च च अहृदयज्ञम च चान्नं च रसं च च इमं च लोकम अमुं च विज्ञाने नैव विजानाति विज्ञानमुपास्व। सबसे पहले हे नारद विज्ञान की उपासना करो। ऐसा नहीं है कि वेद में विज्ञान की चर्चा नहीं है, साक्षात एक दूसरे ऋषि को समझाता है कि विज्ञान की शरण में रहो, विज्ञान से ही यह मार्ग पुष्ट होता है। तात्पर्य यह है कि ऋषि कर्म और ज्ञान दोनों का पोषण करते हैं। विद्याम चा विद्याम चा यस्तद वेदो, विद्या को भी जानिए और अविद्या को भी जानिए। विद्या का अर्थ वह पराविद्या है और अविद्या का अर्थ कर्म विद्या है। अपने कर्म को जानिए, उस ज्ञान को जानिए। अविद्या या मृत्युं तीर्त्वा, इस अविद्या से इस कर्म से क्या करेंगे, इस मृत्यु को पार करते हैं। और विद्या या मृतमश्नुते, विद्या से अमरता की प्राप्ति होती है।
तब हम उसकी ओर बढ़ते हैं। बंधुओं, ऋषियों में जिन ऋषियों का नाम मैं ले रहा था उन ऋषियों का भी थोड़ा बहुत सामान्य परिचय होना चाहिए। एक ऋषि हैं याज्ञवल्क, अद्भुत ऋषि, जो यज्ञ के संबंध में सबसे बड़े रिसर्चर थे। उन्होंने यज्ञ संबंधी बड़े सारे शोध किए और किस प्रकार शारीरिक और मानसिक रोगों का निदान यज्ञ से संभव है, इस प्रकृति के वातावरण को कैसे ठीक किया जाए, इस विषय पर गंभीर अध्ययन याज्ञवल्क ऋषि का था। वो जानते थे कि यज्ञ के बिना यज्ञेन यज्ञमयजंत देवा, यज्ञ से ही सृष्टि होती है, यज्ञ का सारा महत्व जानते थे। यज्ञो वै विष्णु, तो यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, ये सारी परिभाषाएं ब्राह्मण और उत्तरकाल के पुराणिक ग्रंथों में इसकी चर्चा हुई है। इसलिए यज्ञ की महत्ता बताने वाला कोई ऋषि है तो वो याज्ञवल्क ऋषि है। जब भी आज कर्मकांड के लोग कोई भी यज्ञ करने जाते हैं तो याज्ञवल्क ऋषि का स्मरण जरूर करते हैं। अब ऋषियों के स्मरण करने की भी एक विशेष महत्ता है, वो भी जानने का है। आज की तारीख में ये नियम है कि जब भी हम कोई मंत्र पढ़ने जाएं तो उस मंत्र के देवता, मंत्र का छंद और मंत्र के ऋषि का ज्ञान होना आवश्यक है। अब मंत्र का ऋषि कौन है ये जानने के लिए सायण आदि पूर्ववर्ती भाष्यकारों ने बता तो दिया, मगर क्यों जानना जरूरी है? वो कहते हैं लोग कि आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से क्या फायदा, किसने पेड़ लगाया था, हमें उससे क्या तात्पर्य है? तो ऐसी बात नहीं, जानिए कि मंत्र का ऋषि जानना क्यों जरूरी। मंत्र का देवता इसलिए जानना जरूरी है कि हम काली माता के सामने खड़ा होकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, यहाँ तो काली का मंत्र पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा हम नहीं पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा तो हनुमान जी के सामने ही पढ़ी जाएगी। उसी प्रकार छंद का ज्ञान क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर छंद का ज्ञान नहीं होगा तो मंत्र में कहीं आपके उच्चारण में दोष आ सकता है, आगे पीछे हो जाएगा, वह भी गलत होगा। तो दो तो आवश्यक तत्व हैं कि मंत्र का देवता और मंत्र का छंद जानना जरूरी है, किंतु ऋषि क्यों, ऋषियों की जरूरत है। इस बात पर चर्चा बहुत कम उत्तरकाल के साहित्यकारों ने की है, लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि ऋषि का नाम लेना इसलिए जरूरी है कि जब मैं अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्युजम होतारम रत्नधातमम यह मंत्र पढ़ता हूँ, तो इस मंत्र का अर्थ क्या है? क्या सायण ने जो अर्थ लिखा है वही सत्य अर्थ है, या स्वामी दयानंद ने जो अर्थ कर दिया वही सत्य अर्थ है, महर्षि अरविंद ने आध्यात्मिक अर्थ कर दिया क्या वही सत्य है, वेंकट माधव ने जो कह दिया क्या वही सत्य है? नहीं, सत्य क्या है, इस सत्य का असली अर्थ तो वह ऋषि ही जानता है, जिस ऋषि ने, मधुछंदा ऋषि ने इस अग्नि मंत्र का दर्शन किया था। तो असली तत्व तो वह मधुछंदा ऋषि ही जानता है, इसलिए मैं मधुछंदा ऋषि का नाम लेकर मंत्र पढ़ता हूँ कि हे मंत्र, तुम्हारे जिस तात्पर्य को मधुछंदा ऋषि ने समझा था वही अर्थ मुझे भी अभिष्ट है, जो फल मधुछंदा ऋषि को इस मंत्र से प्राप्त हुआ था वही अर्थ मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए उस ऋषि का नाम लेकर हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। अब ये याज्ञवल्क ऋषि भी हैं, मंत्र दृष्टा भी हैं, और भी कथाएं इनकी आती हैं, सूर्य से कैसे इन्होंने वैशंपायन को दिया, वैशंपायन ने आदि, वो कथा में नहीं जाता हूँ। एक छोटा सा संवाद आता है जब जनक के साथ उनका होता है। जनक जी विदेह कहे जाते हैं, उनको अपने ज्ञान का बड़ा ही अहंकार तो नहीं था लेकिन ज्ञानी थे, इस बात की चर्चा सर्वत्र थी। एक बार याज्ञवल्क की पत्नियों ने कहा, दो पत्नियाँ थीं उनकी, उन्होंने कहा कि जाइए अपनी गरीबी दूर करिए, और वो राजा जनक कहते हैं कि शास्त्रार्थ में जो हरा देगा उसको मैं बहुत सारा धन दूंगा, या कई बार तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं सारा धन ही दे दूंगा। याज्ञवल्क चले गए और शास्त्रार्थ शुरू हो गया। याज्ञवल्क ने पूछा जनक से कि हाँ भाई क्या क्या आपको पता है, तो जितना कुछ पता था जनक ने सारा अध्यात्म उनको सुना दिया। एक प्रश्न पर अटक गए, जब उन्होंने याज्ञवल्क ने पूछा कि मरने के बाद इस शरीर के से निकल कर वो आत्मा कहाँ जाता है, जनक ने कहा मुझे नहीं पता है, और इसी पर जनक हार गए। अब जनक हार गए तो उन्होंने अपने राजमहल की सारी चाबी उनको पकड़ा दी, बोले कि ये राज्य आपका, आज से मैं आप छोड़कर चला। ऋषि को लगा कि अरे इतना बड़ा राज्य लेकर मैं क्या करूँगा, तो ऋषि ने उनको
बाहर उनको ले गए और बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, दो ले लिया और उनके सामने खड़े होकर उन्होंने उनके महल में आग लगा दी। अब जब आग लगा दिया और देखने लगे जनक की ओर कि देखूं जनक के ऊपर क्या असर पड़ता है, जनक मुस्कुरा रहे थे। तब याज्ञवल्क्य ने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, मैंने तुम्हारा राज्य तुम्हारे सामने जला दिया और तुम मुस्कुरा रहे हो। तो जनक कहते हैं मेरा कब था, मैं कौन सा लेकर आया था और ना ही मैं लेके जाने वाला हूँ, ये राज्य मेरा तो था ही नहीं, ये तो अब आपका राज्य है, आप चाहे इसको जलाएं चाहे न जलाएं आपकी मर्जी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याज्ञवल्क्य को बोध हुआ कि असल में ज्ञानी सच में यही जनक है। कहते हैं कि इतिहास में दर्ज हो गया कि शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य जीत गया और जनक हार गया, लेकिन याज्ञवल्क्य जानता है क्योंकि इस याज्ञवल्क्य जानता है कि इस शास्त्रार्थ में मैं हार गया हूँ, तुम जीत गए हो क्योंकि तुम सच में विदेह हो, मैंने अपने तपोबल के शक्ति से तुम्हारे राज्य को नष्ट किया है, मेरा तप तो क्षीण हो गया तो उससे मुझे मिला क्या, इसलिए मैं हार गया और तुम विजेता हो, इतिहास चाहे जो कहे लेकिन मैं मानता हूँ कि विजेता तुम ही हो। और फिर अपने तपोबल से जो राज्य जलाया था उस राज्य को पुनर्जीवित करना पड़ा और विदेह को देकर वो वापस खाली हाथ लौट गए थे। कहने का तात्पर्य है कि ये ऋषि कभी भी अपने तप को आसानी से खाली नहीं करना चाहते। इसी प्रकार सत्यकाम जाबाल की कथा आती है, वह भी सत्यवादी था, सत्यमेव जयते नान्द्रितम सत्येन पंथा विततो देवयान, केवल सत्य का मार्ग का आचरण करने से जाबाल सत्यकाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसकी भी लंबी कथा है, उस विषय पर मैं न जाते हुए आगे बढ़ता हूँ। और भी दूसरे ऋषियों पर हम चर्चा करते हैं। एक महान ऋषि हुए हैं सप्तर्षियों में, उनका नाम आता है, आप सबने उनका सुना है, वो कपिल ऋषि, सांख्य से वक्ता कपिल, सांख्य दर्शन के वक्ता हैं। उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रणयन कर प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि बताई है, और यह जो संयोग है यह आधुनिक केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशन है, प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर सृष्टि करते हैं, केमिकल इक्वेशन यही तो होता है। उन्होंने 25 तत्व बता दिए और 25 तत्वों से पूरी सृष्टि बता दी, सारे पदार्थों की गणना कर दी। इसी प्रकार एक और ऋषि, ये ऋषि नहीं वैज्ञानिक हैं, इन ऋषियों को केवल दाढ़ी वाला बाबा न समझा जाए, उनके पास वो लैबोरेटरी थी जो आज की तारीख में लोगों के पास कहीं उपलब्ध नहीं। शंकर वेदांत दर्शन लेके आते हैं, सप्तदश शरीर बता दिया उन्होंने, सप्तदश अवयव वाले 17 अवयव हैं शरीर के, पंचीकरण के सिद्धांत से इस प्रकृति के संपूर्ण स्वभाव का परिचय दे दिया, सृष्टि के उत्पत्ति क्रम का विवेचन भी कर दिया, आकाशाद वायु, वायु रग्ने, रग्ने रापा अद्वय पृथ्वी, इस प्रकार ये सृष्टि का जो क्रम है उसका भी उन्होंने विवेचन कर दिया। इसी प्रकार कणाद आते हैं, कणाद ने परमाणुवाद का परिमाण बताया, परमाणु का परिमाण कितना है ये कणाद ने हमारे समक्ष रख दिया। वो महान वैज्ञानिक, ज्ञान और अध्यात्म को मिलाने वाला ऋषि था। परमाणु सिद्धांत का अस्त का आज की तारीख में अगर बात करें तो लोग कहते हैं कि जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत बनाए हैं, वस्तुतः ऐसा नहीं है। इस जॉन डाल्टन से पहले 2500-3000 साल पहले ये ऋषि कणाद आया और उसने वेदों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। इसीलिए भारतीय चिंतन परंपरा में इसी कणाद ऋषि को परमाणु शास्त्र का आचार्य माना जाता है, वही इस द्रव्य के परिमाण का उद्भावक आचार्य कहा गया है। इसी प्रकार एक बहुत बड़ा नाम भरद्वाज ऋषि का है। भरद्वाज ऋषि चरक संहिता में चरक ने अपने गुरु के रूप में भरद्वाज का स्मरण किया है और कहा है कि इंद्र से आयुर्वेद को पृथ्वी पर लाने वाले ये भरद्वाज ऋषि ही थे। उसी ऋग्तंत्र के अनुसार ब्रह्मा से बृहस्पति, बृहस्पति से इंद्र, इंद्र से फिर भरद्वाज ऋषि को ही यह आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ था। वही भरद्वाज ऋषि ने आगे चल करके उन्हीं को, भृगु ने भी उन्हें धर्मशास्त्र का उपदेश दिया था, और कहते हैं कि क्रौंच वध के समय वाल्मीकि के साथ भरद्वाज ऋषि भी वहां खड़े थे जब उनको क्रौंच वध का को देखा था वाल्मीकि ने। महर्षि भरद्वाज साधारण ऋषि नहीं है,
उन्होंने व्याकरण पर ग्रंथ लिखे, आयुर्वेद, धनुर्वेद, राजनीति, यंत्र सर्वस्व, अर्थशास्त्र, पुराण, शिक्षा आदि अनेक ग्रंथ लिखे, जिससे कि कालांतर में उनकी परंपरा आगे चलती रहे। वायु पुराण में भी उल्लेख आता है कि भरद्वाज ऋषि ने कोई आयुर्वेद संहिता लिखी थी। अब काल कवलित हो गई, काल कवलित की घटना थोड़ी देर बाद चर्चा करूँगा। इसी प्रकार उन्होंने अपने आयुर्वेद को आगे बढ़ाकर चरक तक पहुंचाया है। चरक कहते हैं कि इसी भरद्वाज ऋषि ने काय चिकित्सा के बारे में पूर्व में बताया था, जो अब चरक को प्राप्त हुई है। ये भरद्वाज ऋषि वर्तमान में कहें तो इन्होंने ही प्रयाग तीर्थ को बन तीर्थराज प्रयाग कहते हैं उसको बसाया था। वहीं पर इन्होंने एक बहुत बड़ा गुरुकुल भी बनाया था, जहां हजारों हजार विद्यार्थी बैठकर पढ़ते थे। वहीं इन्होंने शिक्षा शास्त्र की, राजतंत्र की, अर्थशास्त्र, शस्त्र विद्या, आयुर्वेद, विधि, अभियंत्रिकी आदि आदि अनेक प्रकार के विज्ञानों के साथ अपने विद्यार्थियों को पढ़ा लिखा कर बहुत उत्तम बनाया। ये ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा ऋषि भी हैं। इस मंडल में कोई 765 मंत्र हैं, जिनका दर्शन इन्हीं भरद्वाज ऋषि ने किया था। अथर्वेद में भी कोई 22-23 मंत्र इनके नाम के मिलते हैं, जिसका दर्शन इन्हीं ऋषि ने किया था। इसी प्रकार एक और बड़ा नाम वशिष्ठ ऋषि का भी है। वशिष्ठ बहुत व्यापक नाम है। वशिष्ठ से ब्राह्मणों का भी गोत्र है, क्षत्रियों का भी गोत्र है, वैश्यों का भी गोत्र है और दलित समाज का भी गोत्र है। अद्भुत है एक ऋषि, और अद्भुत आश्चर्य नहीं है। आज की तारीख में हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने हैं, वस्तुतः सब उसी वशिष्ठ गोत्र वाले ही हैं, उसी कश्यप गोत्र वाले ही हैं। कोई भी किसी का भी गोत्र लिख सकता है, क्योंकि हम उन्हीं ऋषियों की संतानें हैं। अब वशिष्ठ के नाम के वैसे तो बहुत सारे ऋषि हैं, इन ऋषियों की गणना करना बड़ा ही कठिन है। एक वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, एक इक्ष्वाकु वंश में इक्ष्वाकु के काल में उत्पन्न हुए, एक राजा हरिश्चंद्र के काल में उत्पन्न हुए, एक राजा दिलीप के काल में उत्पन्न हुए, एक दशरथ के काल में हुए, एक महाभारत काल में हुए, एक मित्रा वरुण के पुत्र थे, एक अग्नि के पुत्र थे। कुल मिला के 12 प्रकार के वशिष्ठों का उल्लेख मिलता है। तो अब इन सारे वशिष्ठों के बारे में बहुत विस्तार से कुछ ग्रंथों में लिखा है, आप वहां से भी इनके बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वशिष्ठ के अनेक ग्रंथ भी अभी उपलब्ध हैं, जिनमें वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ कल्प, वशिष्ठ शिक्षा, वशिष्ठ तंत्र, वशिष्ठ पुराण, वशिष्ठ स्मृति, वशिष्ठ श्राद्ध कल्प आदि अनेक ग्रंथ हैं जो आज भी उपलब्ध हैं। इनको आप देख सकते हैं, इनके प्रकाशित भी हैं, कहीं कहीं मिलते हैं। एक और बड़ा नाम आर्यभट्ट का। देखो ऋषियों की परंपरा आप देख लें, ये अब जिन ऋषियों की मैं बात कर रहा हूँ, ये मंत्र दृष्टा ऋषि नहीं है। ये वो ऋषि हैं जो आधुनिक युग में, इस कलयुग में पैदा हुए हैं, और इस युग में पैदा होकर उन्होंने उस परंपरा का निर्माण किया है, उस नए नए उस वैज्ञानिक शास्त्रों का उद्भावन किया है, जिसका लाभ मैं और मेरी अगली पीढ़ियां उठाएंगी। आर्यभट्ट ने ज्योतिर्विज्ञान दिया। अब ज्योतिष के बारे में पूरा विश्व नतमस्तक होता है। आज से 1,00,000 साल बाद कब जो सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कोई विज्ञान नहीं बता सकता, मगर हमारा ज्योतिष विज्ञान आज ही बता सकता है। आज से 40,000 साल पहले कब हमारे, क्षमा चाहता हूँ बीच में फोन आने लगा था, कब हमारे कौन से ग्रह कहाँ थे, इस विषय की चर्चा करने में हमारे ऋषि बिल्कुल समर्थ थे। आप देखें आर्यभट्ट ने ग्रह नक्षत्रों की गणना करके बता दिया कौन से ग्रह पर जाने में कितना समय लगता है, कहाँ से कहाँ आता है, सारी खोज करके रख दी उन्होंने। उनका ऋणी ये समाज हमेशा रहेगा। नागार्जुन रसायन शास्त्री थे, सारी जड़ी बूटियों की खोज करके उन्होंने रख दिया कि कौन सी दवा किस रोग में प्रयोग में आती है। इसी ऋषि को दशरथ ने बुलाया, जहां आकर उन्होंने यज्ञ किया और मंत्र विद्या के प्रभाव से दशरथ को भगवान जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और भी भगीरथ महान ऋषि हुए हैं, राजा थे, राजा से ऋषि बन गए। फिर इसी प्रकार चरक
चरक संहिता आप सबने जानते हैं किस तरह आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाली यह संहिता है, जो कितने प्रकार के वनस्पतियों का औषधि के रूप में कैसे हमें प्रयोग करना है, उस विषय पर चरक ने बहुत विस्तार से अपने चरक संहिता में उल्लेख किया है। महर्षि पतंजलि व्याकरण का शेषावतार भी कहते हैं और योग दर्शन के प्रणेता भी कहते हैं। आज पतंजलि नहीं होते यह योग विज्ञान नहीं होता। बाबा रामदेव ने भी, उनको पता था कि पतंजलि का नाम कितना बड़ा है। इतिहास पतंजलि के नाम से पूर्णतया परिचित है, इसलिए उसके नाम को रखना ही भलाई है। और पतंजलि का नाम रखकर बाबा रामदेव एक ब्रांड बने हुए हैं। ये वही ऋषि था जिसने व्याकरण से लेकर योग आदि विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का प्रणयन किया था। महर्षि पिप्पलाद ऋषि, महर्षि दधीचि का नाम भी बड़ा अद्भुत है। दधीचि के बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर की हड्डियां ही दे दी, किसके लिए? लोक कल्याण के लिए। देखिए ऋषियों की भावना लोक कल्याण में कितनी उत्कृष्ट थी। एक ऋषि खड़ा होकर शरीर की सारी हड्डियों को दे देता है। इंद्र को दे दिया, लीजिए वज्र बनाइए और जाकर मारिए वृत्रासुर को। मेरे शरीर अगर इस लोक के कल्याण में काम आ जाए तो इससे उत्तम कार्य और क्या हो सकता है। दधीचि इसलिए अमर हो गए। बहुत बड़े शिव भक्त थे, उनकी कल्याण की भावना कहीं से भी। इसी तरह भास्कराचार्य, बहुत बड़े ज्योतिषी आए और उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि देकर, हाँ सिद्धांत शिरोमणि से याद आया, आज की तारीख में यह जो गुरुत्वाकर्षण की बात होती है, जिसको हम कहते हैं कि न्यूटन ने फर्स्ट टाइम इस ग्रेविटी के बारे में हमें जानकारी दी, सरासर गलत है। कितने सौ साल पहले भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि में साफ लिखा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे से पृथ्वी के आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है यह पृथ्वी। अर्थात इसी वजह से आसमान का कोई भी पदार्थ पृथ्वी पर अपने आप गिरता है, क्योंकि पृथ्वी उनको अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच लेती है। ये सिद्धांत शिरोमणि का सिद्धांत है, वहाँ का वाक्य है। अब न्यूटन ने कहाँ से पढ़ लिया, जान लिया, इस मामले में चोरी करने में तो बहुत आगे थे, दूसरों को लूट लेने में बहुत आगे थे, तो उन्होंने कुछ भी छीन लिया और अपने नाम से आज बिक रहा है। और जो सच्चाई है वो तो भारतीय लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि भारतीयों को संस्कृत आती नहीं और आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए क्षमा करेंगे जो लोग नहीं इस विषय में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। इसी प्रकार और भी कुछ ऋषि हैं, कण्व हैं, शौनक ऋषि हैं, अगस्त्य हैं। अगस्त्य के बारे में भी आपने अभी रामायण सीरियल में देखा होगा, ये वही अगस्त्य हैं जिन्होंने समुद्र को पी लिया था। राक्षसों का वध करने के लिए इंद्र आए कि भाई राक्षस मिल नहीं रहे, समुद्र में छिप जाते हैं। तो अगस्त ऋषि को बोले कि क्या करना है, तो इंद्र ने कहा कि पानी कम करना है। बोला कोई बात नहीं, आ जा, उन्होंने सारा पानी ही सोख लिया। लो जी ये ऋषि थे। अब विश्वास नहीं होता लेकिन ये उनका तप का प्रभाव था, उन्होंने समुद्र ही सोख लिया। और फिर अपने योग बल से बाद में इंद्र आए और इंद्र ने आकर के उन सबका नाश किया। उसी तरह से एक और बड़ा नाम बौधायन ऋषि का। हमारे पास ये जो वेदांग हैं, वेदांगों में जब हम कल्प करते हैं, कल्प का चार विभाग है, उसमें एक शुल्भ सूत्र आता है। शुल्भ सूत्र पूरा आज के ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का सिद्धांत है उसमें, और वही कालांतर में ट्रिग्नोमेट्री के नाम से मैथमेटिक्स का एक पार्ट बना है। कौन सी वेदी के निर्माण में कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊँचाई का पैमाना होना चाहिए, कितना परिमाण होना चाहिए, इस विषय पर सबसे पहले बौधायन ने त्रिकोणमिति रूप सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री का पता नहीं कोई जनक होगा बाहर से आया हुआ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ भारत के निवासियों को कि यह ट्रिग्नोमेट्री हमारे देश की देन है, यह मैथमेटिक्स हमारे देश की देन है। शून्य का आविष्कार अगर आर्यभट्ट ने किया है तो उससे बहुत पहले जब वेद आए हैं तब से वेदों में सारी संख्या की गिनती है। तो गिनती संख्या आज की नई बात नहीं है। ये नया कोई आके कह दे कि जी मैंने बनाया, उसने बनाया, तो ये सब गलत है। बड़ी सब ये हमारे ऋषियों के चिंतन की, उनकी परंपरा का परिणाम है जो हमारे सामने ये आज दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार विज्ञान की झलक देखनी है
तो महाभारत में तो 100,000 श्लोक हैं, आप सामान्य रूप से नहीं पढ़ सकते। लेकिन पता नहीं आज के आधुनिक विद्वानों में किसी ने इस विषय पर कार्य किया कि नहीं किया कि महाभारत में कितने प्रकार की आधुनिक विद्याओं का जिक्र है। मधु विद्या आधुनिक है क्या, उनको कहें कि प्राचीन काल में थी। मधु विद्या, अश्वविद्या, आयुर्वेद, रत्न परीक्षा, वास्तु विद्या, सामुद्रिक शास्त्र, धनुर्विद्या, अनुलेपन विद्या, स्वेच्छा रूप धारिणी विद्या, अस्त्रग्राम हृदय विद्या, सर्वभूत ऋत विद्या, पद्मिनी विद्या, रक्षोग्न विद्या, जालंधरी विद्या, गोपाल विद्या, पराबाला विद्या, पुरुष प्रमोहिनी विद्या, उल्लापन विधान विद्या, देवहूति विद्या, युवकर्ण विद्या, वज्रवाहनिक विद्या, सिंह विद्या, नरसिंह विद्या, गांधारी विद्या, मनोहिनी विद्या, जिम्रिणी विद्या, अंतर्ध्यान विद्या, वैष्णवी विद्या, त्रैलोक्य विजय विद्या, इस प्रकार पंचाग्नि विद्या, मतलब विद्याओं का पार लगा के रखा है। ये हमारी कमी है कि हम अपने ही शास्त्रों में कहे गए इस प्रकार के विद्याओं का ज्ञान नहीं रखते हैं। हमने संस्कृत विद्या को, ऋषियों की परंपरा को केवल बाबा जी की परंपरा मान ली। वो विज्ञान की भी परंपरा हो सकती है, इस विषय पर तो ध्यान ही नहीं जा रहा है आज के हमारे पंडितों का और हमारे लोगों का। व्यास नाम का एक महान ऋषि जिसने आर्ष परंपरा को इतना विस्तृत स्वरूप दिया है, जिसके लिए आने वाली अनंत पीढ़ियां ऋणी रहेंगी। व्यास ने ही वेदों का विभाजन करके 4 भाग कर दिए, और जो वेद नहीं पढ़ सकते थे उन लोगों के लिए वेदों के तमाम आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों को लोक कथा के माध्यम से महाभारत के रूप में, पुराणों के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिस विषय को व्यास ने छुआ न हो। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, तात्पर्य यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसने महाभारत में ना लिखा हो। व्यास के स्वस्थ चिंतन का प्रमाण आप देख सकते हैं। वो कहते हैं कि अनंत काल से चली आ रही सभ्य असभ्य परंपराओं का दिशा निर्देश मैंने इस ग्रंथ में किया है। सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, परंपरा, इतिहास, भूगोल, खगोल, लोक परलोक, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, पाताल, देवता किन्नर, विद्याधर, अप्सरा, राक्षस, पशु पक्षी, कीट पतंग, नदियां, समुद्र, पर्वत, चर अचर, पेड़, भूमि, उचित अनुचित, धर्म अधर्म, आश्रम वर्ण, तीर्थ कर्तव्य अकर्तव्य, शिल्प कला, खाद्य पेय लेह चुष्य वस्त्र आभूषण, क्या क्या शिक्षण आर्थिक, कुछ भी नहीं छोड़ा जिससे हमारा यह आर्थिक, सामाजिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक जितना कुछ भी संसार ब्रह्मांड में होता है उन सब का सांगोपांग विवेचन महाभारत में व्यास ने कर दिया है। कितने प्रकार के हथियार होते थे, कितने शस्त्र होते थे, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पशुपतास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, नागास्त्र, वज्रास्त्र आदि अनेक प्रकार के अस्त्रों का की भी चर्चा है। मगर एक बात ध्यान रखने की है, अस्त्र तो बड़े थे। अब जैसे ब्रह्मास्त्र है, सबको नहीं प्राप्त होते थे, बहुत तप साधना से ब्रह्मास्त्र प्राप्त होते थे, गुरु अपने शिष्यों को देते थे, मगर उनको चलाने का अधिकार होते हुए भी अनुचित प्रयोग नहीं कर सकते थे। आज की तारीख में किसी के पास परमाणु बम है तो वो विचार नहीं करेगा। जिसको लगता है कि नहीं ये देश मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, उस देश पर वो तुरंत आक्रमण कर देगा। मगर उस काल में नहीं था। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य ने अर्जुन के सामने ब्रह्मास्त्र उठा लिया, ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हो गए, बोले अरे पता नहीं है कि ये ब्रह्मास्त्र किस लिए तुमको दिया है, यह केवल धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जा सकता है। तुम्हें पता है कि तुम अधर्म की ओर खड़े हो, तुम इसे प्रयोग में नहीं ला सकते हो, इसलिए हे ब्राह्मण इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तुम नहीं करोगे। और द्रोणाचार्य ने उनकी बात मान ली और ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। कौरवों की ओर सबके पास ब्रह्मास्त्र था लेकिन कोई प्रयोग नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो अधर्म के मार्ग में खड़े थे। कहने का अर्थ ये है कि ऋषियों का जो यह अस्त्र विधान था, अस्त्र चिंतन था, अस्त्रों का जो
उपयोग था, उनकी जो उपलब्धि थी उसको प्रयोग करने के लिए शर्तें रखी थी कि कोई भी अनुचित कार्य के लिए इस तरह के हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। किंतु आज जिसके पास कोई हथियार है तो उसके पास विवेक नहीं है, नहीं तो परमाणु बम आज के युग में जरूरत ही नहीं थी। ऐसा कौन दुराचारी दुष्ट बनेगा जिसके लिए हमें उसके पूरे जगत को नष्ट करना पड़ जाए। उन ऋषियों ने इसलिए हमें ऋषियों के इस चिंतन को ध्यान रखने की जरूरत है, उसके निकट जाने की जरूरत है। समय तो एक घंटे का हो गया है लेकिन मेरा विषय अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आज मेरे पास खुला समय है, इसलिए मैं इसको पूरा करके ही हटूंगा। ऋषि परंपरा केवल दार्शनिक परंपरा नहीं, केवल शिक्षण परंपरा, यह तो वास्तव में मानव के कल्याण की परंपरा है, अपने दायित्व का निर्वहन करने, बोध कराने की परंपरा है। मनुष्य मात्र अपने कल्याण के लिए नहीं है, मनुष्य तो संपूर्ण जीव जगत के कल्याण के लिए है। मनुष्यत्व को स्थापित करने के लिए हमारी ऋषि चिंतन परंपरा है। मनुर्भव जनया दैव्यम जनम, मनुष्य बनोगे तो देवता उत्पन्न करने की सामर्थ्य तुम में आएगी, यह हमारी ऋषियों की परंपरा है। हमारा ऋषि हमारे राष्ट्र रक्षा के लिए निरंतर हमें प्रेरित करता रहता है। वो कहता है कि अपने गुण और अपने दायित्व का बोध समझो। राष्ट्र के निर्माण में जिन तीन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन तत्वों को हमारे ऋषियों ने वैदिक काल में ही समझा दिया था। ऋषि कहता है कि इड़ा सरस्वती मही तीसरो देवी मयो हुआ, अर्थात इड़ा, इड़ा का अर्थ है संस्कृति, सरस्वती का अर्थ है वाणी और मही का अर्थ होता है पृथ्वी। अर्थात हमको अपनी मातृ संस्कृति, मातृभाषा और मातृभूमि, इन तीनों के प्रति प्रेम और समर्पण होना आवश्यक है। यदि हमें ये तीनों नहीं है तो हम अपने राष्ट्र की रक्षा कभी नहीं कर सकते हैं। हम भारतवासियों को आज अपनी मातृ संस्कृति को, अपनी मातृभाषा को और मातृभूमि को जानने की जरूरत है, उसके प्रति अपने भीतर संवेदना, अपना प्रेम प्रकट करने की आवश्यकता है। यदि इनमें से एक भी लुप्त हो गया, आपने अपनी भाषा छोड़ दी, आपने अपनी इन तीनों को जो में से किसी एक को भी छोड़ देने मात्र से हमारा यह राष्ट्र लुप्त होने के कगार पर हो जाएगा। इसलिए चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, हमें अपने इन तीनों से दूर नहीं होना चाहिए। इन तीनों शक्तियों के, ये तीन शक्तियां हैं, इन तीनों शक्तियों पर बहुत सारे आघात समय समय पर हुए हैं, बहुत सारे झंझावात भी हमने झेले हैं, और उसी के क्रम में एक भाषा की जगह अनेक भाषाओं ने उस क्षेत्र के प्रभाव से जन्म ले लिया। किंतु उन सभी भाषाओं में भी अंततः हमारा वह ऋषि चिंतन समर्पित है जिसके कारण आज भी हम जीवित हैं। ऋषियों का चिंतन तो सर्वदा परोपकार का रहा है, हाँ आत्मसमर्पण कभी उनका पोषण नहीं रहा है। वो कभी नहीं कहते कि आत्मसमर्पण कर दो। बड़ा से बड़ा ऋषि, बड़ा से बड़ा तपस्वी, जब अगर कोई आतताई उसके समक्ष आ जाता था तो कमंडलू से जल निकाल के शाप देने में वो देर भी नहीं लगाते थे। महर्षि दुर्वासा तो इसी काम के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए वो परोपकार तो जानते थे मगर आत्मसमर्पण नहीं करना। हमारे देश के कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जब भी आतताई आक्रांता आए उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। वो भूल गए अपनी उस ऋषि चिंतन परंपरा को जिसके कारण हमारा देश गुलाम हो गया, हमारी संस्कृति छिन्न भिन्न होने लगी। हमें उस परंपरा को याद करने की आवश्यकता है। जब तक हम उसको याद नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सुंदर बात कही, क्या कहते हैं कि ऋषि तो हमेशा कभी समष्टि के बारे में सोचता है, व्यष्टि चिंतन ऋषि का हो ही नहीं सकता। वो कहता है कि मनुष्य जीवन तो परोपकार के लिए बना है, दूसरे का उपकार करो। परोपकार आय फलन्ति वृक्षा, परोपकार आय वहन्ति नद्यः, परोपकार आय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। शरीर तो सार्वत्रिक कल्याण के लिए बना है, इसको उस कल्याण में लगाइए। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद में नहीं बल्कि सारे वेदों का बहुत महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है।
क्या है उस मंत्र में। ऋषि क्या कहता है, वो कहता है कि तत् सवितुः भूर्भुवस्व तत् सवितुः देवस्य, उस सविता देवता का जो वरेण्यम भर्ग है, उत्तम तेज है, वो क्या हो, धीमहि, हम उसको धारण करें, पहली बात। फिर क्या कहता है, धियो यो नः प्रचोदयात्, और वह तेज हमें क्या करे, सन्मार्ग में प्रेरित करे। सन्मार्ग क्यों चाहिए भाई, सन्मार्ग इसलिए चाहिए कि हमें लोगों का कल्याण करना है, सन्मार्ग में चलेंगे तभी हम किसी का कल्याण कर पाएंगे। ऋषि परम तेज को धारण करने वाले हैं, क्योंकि उसी से वो दूसरों का कल्याण चाहते हैं, सबके मंगल की बात करते हैं। सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्यर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णु गुरुक्रमः, सारे देवता कल्याण करने के लिए। सन्नो वातः पवताम सं नस्तपत सूर्यः सन्नः क्रणिकः देवः पर्जन्यो विवर्षतु, हे देव, ये सारे लोग इस संसार के कल्याण के लिए देवता बने हैं। ये सभी देवताओं का एक ही कार्य है कि वो जब ऋषि उनसे प्रार्थना करता है तो कहता है कि संसार में जितने लोग हैं इन सबका कल्याण करो, यही ऋषि चिंता है। अभयम नक्तम अभयम दीवान सर्व आशा, किसी से भय ना हो, कहीं से डरने की जरूरत ही नहीं है। अभयम मित्रात् अभयम मित्रात्, मित्र से डर नहीं, अमित्र से डर नहीं, ज्ञात से डर नहीं, अज्ञात से डर नहीं, दिन से डर नहीं, रात से डर नहीं, जितनी आशाएं हैं, जितना संसार है, वो सब क्या हो, मम मित्रम भवन्तु, मेरे मित्र हो। अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानञ्च सत्यम धर्म, यही तो सनातन धर्म है, कभी किसी से द्वेष नहीं करेगा। सर्वभूतेषु सभी भूतों में कर्मणा मनसा गिरा, मन वाणी और कर्म से अनुग्रह उन पर कृपा करने वाला होगा। दानञ्च सत्य धर्म, दान देने वाला, सबको कल्याण करने वाला व्यक्ति सनातनी होता है, यही तो सनातन धर्म है। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम, ऋषि कहता है कि हम साथ चलें, साथ बोलें, एक जैसा हमारा मन हो, देवताओं की कृपा हम सबको एक साथ प्राप्त हो। इतना उदात्त चिंतन कौन कर सकता है, किसके बस की बात। समानो मंत्र समिति समान, समानम मन सह चित्तम, समानम मन मंत्र अभिमंत्र एव समान एन भविष्य। इतना ही नहीं है, पर्यावरण विद आजकल ये मंत्र बहुत पढ़ते हैं, द्यौः शान्तिः, अरे भाई देव को शांत करने की कल्पना ऋषि करता है, अंतरिक्ष को शांत करता है, पृथ्वी को शांति चाहता है, औषधियों को शांति चाहता है, वनस्पतियों की शांति चाहता है, विश्व देवा की शांति चाहता है, ब्रह्म की शांति चाहता है, और त्रिविध ताप की शांति भी चाहता है, सामा शांति रेधी, और उस शांति को स्वयं भी प्राप्त करना चाहता है। एक ऋषि सब कुछ शांति चाहता है, सबको कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहता है, और कहता है, देखो एक मंत्र अथर्ववेद का बड़ा सुंदर है कि मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचाभदान मधुमत भूयासम मधुसंदृशः, मतलब मधुमय ही मेरी वाणी हो, आना जाना मधुमय हो, सब कुछ मधु मधु मीठा मीठा, कितना सुंदर विचार, कितनी अच्छी भावना। और सुनो, परिवार में आकर के ऋषि समझाता है, माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षन माँ स्वसारमुतस्वसा सम्यंच सभ्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया, कोई भाई किसी भाई से द्वेष न करे, कोई बहन किसी बहन से द्वेष न करे, सब अपने व्रत का पालन करें और मधुर वाणी बोलें, भद्र वाणी बोलें, जिससे कि सबका कल्याण हो सके। अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भूत, ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जाया पत्ये मधुमती वाचम वदत भद्रया, कहते हैं कि पुत्र जो है वो माता और पिता दोनों के अनुकूल चले, और पत्नी अपने पति के अनुकूल चले, सब कल्याण रहेगा। यदि पुत्र माता पिता की बात सुनता हो, पत्नी और पति एक दूसरे की बात सुनते हो, तो लड़ाई किस बात की, कहाँ होगी। यही तो ऋषियों का चिंतन था, हमारा परिवार हमारा समाज बिल्कुल ठीक ढंग से चले, यही उनका तात्पर्य था। ऋषि कहता है, भद्रम करणे भी सुनयाम देवा, हम अपने कानों से केवल भद्र ही सुने, मतलब केवल कल्याण ही सुने, भद्रम पश्ये मक्षभिः ही, अपनी आँखों से कल्याण ही देखें, स्थिरई ही अंगई ही तुष्टुवांसस तनु भी, शरीर के सारे अंगों से केवल हमारे कल्याण की भावना ही रहे, जितना हमारी आयु है देवता हमें उसी प्रकार उनको प्राप्त कराएं। भद्रम इच्छन्त ऋषि, कितनी सुंदर बात कही, ऋषियों का एक ही काम, भद्रम इच्छन्त, भद्र को ही देखने वाले हैं। दीक्षा मुपशेद ततो राष्ट्रम, क्योंकि जब मन
कल्याण भाव होगा तो राष्ट्र बल ओज सब उत्पन्न होंगे, तभी देवता हमारा समर्पण करेंगे। बंधुओं बहुत गंभीर विषय है। कर्म सिंह जी ने मुझे आदेश दिया था कि इस विषय को रखूं और मैं अभी संतुष्ट नहीं हुआ हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे आधा घंटा और चाहिए था इस विषय को और खोलने के लिए, किंतु लगातार एक घंटे से बोल रहा हूं तो मुझे थकान भी हो रही है। तो अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारा ऋषि हमारी परंपरा को बहुत आगे तक ले जाने की कल्पना रखता है। उसकी इच्छा है कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमद। जब विद्यार्थी अपने गुरुकुल से पढ़कर निकलता है, अपने गृह धर्म को जाता है, तब ऋषि उसको उपदेश करता है सत्यम वद। घर जाना तो सत्य बोलना, धर्मम चर धर्म का आचरण करना, स्वाध्यायान मा प्रमद जितना पढ़ाया है उससे प्रमाद मत करना। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तु मां विवक्षेत्सि। अपने गुरुओं का सम्मान करना, उनको जो बन सके लाके उनकी सेवा करना, और सत्यान न प्रमयितव्यम कभी भी सत्य से प्रमाद मत करना। धर्मा न प्रमयितव्यम कुशला न प्रमयितव्यम भूत्यै न प्रमयितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमयितव्यम। जो पाया है उसको पढ़ते रहना और जो पढ़ा है उसको उस ज्ञान को बांटते रहना, यह भी तुम्हारा धर्म है। देव पितृ कार्याभ्याम मां प्रमयितव्यम। देवता और पितरों के कार्य में कभी प्रमाद मत करना। माता को देवता मानना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यानी अर्वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। जो कुछ भी उचित कार्य हैं केवल उन्हीं को करना, यानी नो इतराणि इससे भिन्न जो अनुचित कार्य हैं उनको कभी मत करना। इस प्रकार के हमारे ऋषियों के इस चिंतन को हमें अपनाने की आवश्यकता है। आशा करता हूँ कि हम अपने जीवन में इसे अपना कर अपने उस परंपरा को पुनर्जीवित कर सकते हैं और पूरे विश्व पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का और वैज्ञानिक शक्ति का प्रभाव जमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्म सिंह जी का धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार।